जिला बाड़मेर, भारतीय जनता पार्टी जिला बाड़मेर की इस मेरे द्वारा ली जा रही पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत व अभिनंदन। मैं पहले आपसे क्षमा चाहता हूं कि एकदम अति छोटे से और कम समय में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और आप सभी यहां पधारे, उसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं और आपका पुनः स्वागत व अभिनंदन कर रहा हूं। हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री राजस्थान की जनता का विशेष ध्यान रख रही है और आज अभी शाम को ही लगभग 5 बजे किसानों से संबंधित विद्युत कनेक्शन और विद्युत से संबंधित एक बहुत बड़े पैकेज की घोषणा की गई है। उस पैकेज में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसले, सबसे पहले कृषि कनेक्शन में स्थानांतरण जिलों के अंतर्गत एक बड़ी शिथिलता थी। जो कृषि कनेक्शन थे वो मात्र पंचायत समिति में ही ट्रांसफर हो सकते थे, जिसको बदलकर मुख्यमंत्री के द्वारा कृषि कनेक्शन पूरे जिले में आप किसी भी स्थान पर बदलकर अपना स्थानांतरण करवा सकते हैं। टीआर में रात के अंतर्गत जो 4 माह की लाइबिलिटी रहती थी अधिकतम, जिसको घटाकर आधी कर दी गई है, यानी 2 माह की लाइबिलिटी कर दी गई है, और अधिकतम जो समझौता राशि के अंतर्गत प्रति हॉर्स पावर 2000 रूपये राशि थी, समझौता राशि उसको 1000 रूपये प्रति हॉर्स पावर कर दी गई है। विजिलेंस मॉनिटरिंग एक टीम गठित की गई है, जिसके अंतर्गत VCR के 60 दिन के अंतर्गत आपको एप्लीकेशन किसान कोई भी देता है तो उसको 15 दिन के अंतर्गत निस्तारण कर दिया जाएगा उसकी एप्लीकेशन का। किसानों को लोड चेकिंग करते वक्त यदि किसान एक कनेक्शन है उसका लोड चेक हो रहा है और लोड चेक करते वक्त यदि 20% तक यदि उसका अधिकतम लोड पाया जाता है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी किसी भी प्रकार की। नहीं तो क्या था, जैसे भी किसका 25 हॉर्स पावर का कनेक्शन है और उसका 25 हॉर्स पावर की जगह 26 हॉर्स पावर भी या 25.5 हॉर्स पावर भी कनेक्शन होता था तो उसपे मुकदमा बन जाता था। अब ये 25 की जगह अधिकतम 5 हॉर्स पावर तक लोड यदि उसका ज्यादा है तो भी उसपे किसी भी प्रकार का कोई विजिलेंस की टीम मुकदमा नहीं करेगी। उपभोक्ताओं का सबसे बड़ा शिकायतों का निवारण के लिए आगामी माह से हम शिविर आयोजित कर रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी इस प्रकार की जो शिकायतें हैं उनका निवारण किया जाएगा। और स्पेशल कनेक्शन मिलते थे बूंद बूंद की सिंचाई की योजना के, उसको भी आने वाले 3 वर्षों में सामान्य कनेक्शन के रूप में ले लिया जाएगा, जिससे किसी भी प्रकार की शिथिलता नहीं होगी और जल्दी से जल्दी किसान को राहत मिलेगी। पिछले कांग्रेस के कार्यकाल में नियामक आयोग द्वारा दर का निर्धारण याचिका से द्वारा प्रतिवर्ष लगाया जाता था, परंतु पिछले 2 वर्ष से इस प्रकार की कोई भी याचिका नहीं लगाकर रेट नहीं बढ़ाई गई है और 1 सितंबर 2016 नियामक आयोग के किसानों में 25 पैसे प्रति यूनिट की रेट बढ़ोतरी की थी, वो बढ़ी हुई रेट भी कम कर दिए गए हैं, यानी कि 1 रुपया 15 पैसा जो यूनिट रेट थी उसकी जगह 90 पैसा प्रति यूनिट, और सामान्य फ्लैट रेट 1 रुपया 20 पैसा था उसकी जगह 85 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है। और ये लागू जब से होगा तब से उस राशि का समायोजन जो बिल में आएगा आगामी बिल में किसानों को कर दिया जाएगा। इस प्रकार से काश्तकारों को बढ़ी हुई राशि भी पुनः वापस मिल जाएगी। यशस्वी मुख्यमंत्री द्वारा इस प्रकार की जो घोषणाएं की गई है वह एक तरह से किसानों के लिए सौगात है और आने वाले समय में और भी कुछ इस प्रकार की योजनाएं जो होगी उसके संबंध में मैं आपको समय समय पर बताऊंगा। और इसका जो एक मेरे पास में पत्रक है जो घोषणाओं के संबंधित मैं आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। जहां तक टोल फ्री नंबर की बात है इसके संबंध में अभी तक कोई इस मामले में पत्रक में नहीं है, फिर भी आपकी जो बात है उसको हम सरकार तक पहुंचाएंगे और उसका भी निस्तारण करने का जल्दी से जल्दी प्रयास करेंगे।
पहले ही चल रही है योजना है, और संभवतः जो चोरी के मामले हैं कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का करता है तो वो सरकार से संबंधित वो नियमानुसार कार्रवाई होती है।